मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एंड बायोस लैपटॉप एडिटिंग से रिलेटेड और मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, एलईडी टीवी रिपेयरिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टचपैड का सेक्शन ये बना रहा मैं इधर, ये देख लो, चार पिन का भी होता, छह पिन का भी होता, चार का भी होता, छह का भी होता, आठ का भी होता, ये और एक पिन इसका ग्राउंड और दूसरा डाटा के लिए, तीसरा क्लॉक के लिए और चौथा सप्लाई के लिए जो के जाएगा वीएस में, ठीक है। और कभी फास्ट कभी स्लो काम करेगा और कभी काम ही नहीं करेगा। टचपैड जो है आप लोग को हमेशा कीबोर्ड के बगल में देखने को मिलेगा, ये टचपैड जो है कीबोर्ड के आपको बगल में देखने को मिलेगा, चार पिन, छह पिन या फिर आठ पिन हो सकता है, ज्यादातर चार ही पिन आता है। तो इसका जो चार नंबर का जो पिन रहेगा, एक मिनट बता देता आपको, ये टचपैड जो है ये सेक्शन होता है हमारा और इसके नीचे में मोस्ट ऑफ द केस आईसी लगी हुई रहती है, आईसी इसलिए लगी हुई रहती है अगर इसमें जो अपन जो राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट करते हैं तो वो आईसी सेंस करते हैं, तो आईसी के लिए जब तक ड्राइवर इनेबल मतलब एक्टिव नहीं होगा ड्राइवर तब तक आईसी भी काम नहीं करेगा। और ये टचपैड का जो कनेक्शन है ये होता है, इसका कनेक्शन डायरेक्ट आईओ से, इसका कम्युनिकेशन डायरेक्ट आईओ से होता है टचपैड का। और ये टचपैड का जो एक पिन होता है ग्राउंड, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जेपी चार दिख रहा है और जेपी चार ये इसका जो रहेगा, इसका स्कीमेटिक भी जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे जेपी चार ये हमको स्कीमेटिक में डालना पड़ेगा फाइंड पेज के अंदर में, तो हमको स्कीमेटिक का सेक्शन मिल जाएगा। और तो स्कीमेटिक में हमको टचपैड का सेक्शन मिल जाएगा और इसका एक पिन जो होता है ग्राउंड होता है और दो नंबर का पिन क्लॉक और तीन नंबर का पिन डाटा। अब जो क्लॉक और डाटा का जो बीच का जो पिन है वो आईओ से कम्युनिकेट करेंगे, क्लॉक और डाटा का बीच का पिन रहेगा। इसमें चार पिन बताया मैंने अभी, एक पिन ग्राउंड, दूसरा पिन डाटा, तीसरा पिन क्लॉक और चौथा पिन सप्लाई के लिए रहेगा, सप्लाई मतलब 5 वोल्ट। और 5 वोल्ट कहाँ से मिलेंगे इसको, ये इसके आसपास में ये हो सकता है या हो सकता है वीएस करके एक मॉस्फेट रहता है, तो वीएस एक मॉस्फेट है, तो इसका जो चार नंबर का जो सप्लाई का पिन है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा वीएस के प्राइमरी सेक्शन से, सोर्स से। और इसका जो ड्रेन रहेगा, ये इसका ड्रेन जो है स्टेप डाउन का जो मॉस्फेट है इससे बीप करेंगे, वो हम ट्रेसिंग में दिखाएंगे अभी। बस ये आयो का कौन से नंबर की पिन हमको स्कीमेटिक से पता चलता है, बस ये याद रखना है कि एक नंबर पिन इसका ग्राउंड होगा, दूसरा नंबर का पिन इसका डाटा होगा, तीसरा नंबर का क्लॉक रहेगा और चौथा नंबर का सप्लाई रहेगा। सप्लाई बता दिया मैंने वीएस से, इसका कनेक्शन आयो से और आयो से इसका कनेक्शन हमारा मॉस्फेट से। अब वो कैसा है वो ट्रेसिंग में हम देखेंगे, आज मॉस्फेट मॉस्फेट देखेंगे, ठीक है। और एक मिनट, ये देखो मैंने जैसे कि आपको भी बोर्ड में बताया कि एक पिन ग्राउंड रहेगा, दूसरा पिन डाटा के लिए, तीसरा पिन क्लॉक के लिए और चौथा पिन सप्लाई के लिए। सप्लाई मैं लिखना भूल गया, पेन है क्या वहाँ पे, पेन है वहाँ पे, आप बोलो। ये हमारा 5 वोल्ट रहेगा जो कि वीएस से आएंगे, वीएस जो रहेगा ये स्टेप डाउन का सेक्शन है वीएस, तो ये कभी कभी इसका जो सोर्स रहेगा ये 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा और इसका जो ड्रेन है हमारा एक मॉस्फेट लगा हुआ रहेगा स्टेप डाउन के अंदर में, उससे जो मेन मॉस्फेट रहेगा उससे ये वीएस का कनेक्शन जाएगा, वो हम ट्रेसिंग में बताएंगे आपको। और ये डाटा और क्लॉक अगर आईओ में नहीं बन रहा है, डाटा और क्लॉक अगर आईओ में नहीं बन रहा है तब भी हमारा टचपैड काम नहीं करेगा, मिल जाएगा। और 5 वोल्ट भी अगर नहीं मिल रहा है तब भी काम नहीं करेगा, तो मतलब कि बोलने का मतलब है कि इसकी पहचान ये है कि हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है और ये हमारा टचपैड का कनेक्टर है,
ये हमारा टच पैड का कनेक्टर, ये चारों में से अगर एक भी सप्लाई अगर मिसिंग होंगी, एक भी सप्लाई अगर मिसिंग होंगी तो टच पैड काम नहीं करेगा। तो हमको ग्राउंड भी देखना है, डाटा भी देखना है, क्लॉक भी देखना है और 5 वोल्ट सप्लाई भी देखना है। तो अगर डाटा और क्लॉक नहीं बन रहा है तो फिर हमको आईओ को चेंज करना पड़ेगा। पहले चेंज करने से पहले क्या करेंगे, चेंज करने से पहले इसको अच्छे से क्लीन करना है पेट्रोल से और उसको हीट देना है। हीट देने के बाद अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सेम आईओ को, ठीक है। अगर बोलो, अगर ये सारी सप्लाई मिल रही है उसके बावजूद भी अगर टच पैड काम नहीं कर रहा है, ये हमारा टच पैड काम नहीं कर रहा है, तो फिर हमको इसके अंदर में केबल लगा हुआ रहेगा, जो कि यहाँ लगता है केबल, जो कि यहाँ पर आता है, यहाँ से लग के ये केबल यहाँ आता है, तो फिर केबल को चेक करना पड़ेगा, या फिर जो सप्लाई बताया मैंने वो सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। सप्लाई भी हो गया तो फिर डाटा और क्लॉक का सिग्नल चेक करना पड़ेगा, ये भी हो गया तो फिर 5 वोल्ट का मॉस्फेट चेक करना पड़ेगा, ये अगर 5 वोल्ट का VS का मॉस्फेट भी हो गया है तो फिर ये जो यहाँ पे स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन इसका जो दो मॉस्फेट है उस पर हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये टच पैड का अपना इतना ही है और बाकी ट्रेसिंग अभी थोड़ी देर में बताएंगे। और इसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगा कि